दिख रहे इलेक्शन डे ने और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। प्रदेश की सियासत में जो कभी नहीं हुआ वो इस लोकसभा चुनाव से पहले होता हुआ दिखाई दे रहा है। संघर्ष तिवारी कांग्रेस में जाते हैं तो मिर्धा परिवार से ज्योति मिर्धा जो कांग्रेसी कहलाते हैं उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं होती है। इस बीच बेनीवाल कांग्रेस के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, दिखाएंगे आपको इलेक्शन डे। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के मिशन 25 की, जिसे पूरा करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ली है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इसी मिशन की शुरुआत आज मेवाड़ से की गई है, जहां सीएम गहलोत ने प्रतापगढ़ के अरनोद, बांसवाड़ा के बागीतौरा और उदयपुर के गोगुंदा में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सभाओं में गहलोत को सुनने के लिए बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी। सभाओं में डिप्यूटी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। सभाओं को संबोधित करते हुए गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर तंज कसा। गहलोत ने कहा कि देश में दो ही लोगों का राज चल रहा है और यदि इस बार इनकी सरकार बन गई तो जरूरी नहीं है कि देश में फिर चुनाव हो या ना हो। गहलोत ने कहा है कि मोदी जी मन की बात कहते नहीं थोपते थे, जबकि राहुल गांधी जनता के मन की बात सुनते हैं। इस दौरान गहलोत ने प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। वहीं गहलोत ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है। पायलट और पांडे ने भी संबोधित करते हुए कहा कि देश के भविष्य के लिए ये लोकसभा चुनाव बेहद खास है। उन्होंने कहा कि आज देश में गंदी राजनीति चल रही है, तो क्या कुछ रहा ये चुनावी दौरा, ये हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की है और ये तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश की है कि आखिर केंद्र सरकार पर किस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने वार किया। सरकार से झूठे वादे किए गए, मोदी जी ने ब्लैक मनी लेके आएंगे, एक रुपया लेके नहीं आए, महंगाई कम कर देंगे, कोई परवाह नहीं करी। किस प्रकार से 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे उसका पता ही नहीं है। इस रूप में उन्होंने धोखा दिया, देश को गुमराह किया, असत्य बोले, जुमले बोले। अब उनकी पोल खुल चुकी है। आज 2 लोग राज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। लोकतंत्र में 2 लोग राज करें ये संभव नहीं है। मंत्रियों की चलती नहीं है, चलने देते भी नहीं हैं। आरएसएस के माध्यम से फैसले होते हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन सा उनको पोर्टफोलियो मिलेगा। आज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी के रूप में आरएसएस है इनके साथ में, तो आप सोच सकते हैं कि जब रिमोट कंट्रोल ही आपके नागपुर से हो तो आप क्या शासन करेंगे। हमारी सरकार ने राहुल गांधी जो वादा किया था, हम कर्जा माफ़ करेंगे किसानों के, हमने 2-4 दिन के अंदर घोषणा कर दी, अधिकांश लोग कर्जे माफ़ हो गए, जो बाकी बच गए हैं प्रक्रिया चल रही है राष्ट्रीय बैंकों के साथ में हमारी, चुनाव के बाद वो कर्जे माफ भी होंगे, मैं वादा करना चाहता हूँ आपसे। इस प्रकार से हमारी सरकार ने कहा है कि 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, वो आपके सामने है। हमने पानी के बिल माफ़ कर दिए, शायद आपको मालूम नहीं पड़ा होगा, गांव के अंदर पानी के बिल पूरे माफ हो गए, कोई बिल आएगा ही नहीं गांव के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ। शहरों के अंदर भी 30% बिल आएगा, वो स्थिति हमने कर दी है। एक के बाद एक सरकार फैसला कर रही है, लड़कियों की शिक्षा फ्री कर दी है, पहले 12वीं तक थी, अब कॉलेज तक भी फ्री हो जाएगी। हमने बुजुर्गों का पेंशन 500 की 750 कर दी, 750 के 1000 रुपये कर दिए, पत्नी पत्नी को 24,000 मिलेंगे एक साल के अंदर। वृद्धों को, किसान जो वृद्ध हैं उनकी पेंशन अलग से लागू कर दी हम लोगों ने। जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली दफा वैभव गहलोत जोधपुर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर वैभव गहलोत का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत करने उमड़ी भीड़ का आलम यह था कि खुद वैभव गहलोत कई बार भीड़ में फंस गए। रेलवे स्टेशन से बाहर आने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा। शांति भवन से वैभव गहलोत पैदल ही कांग्रेस दफ्तर तक पहुंचे, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से आशीर्वाद लेने के साथ सभी को एकजुटता से चुनाव प्रचार में और अधिक मुस्तैदी से जुटने का आह्वान किया। कांग्रेस कार्यालय में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सईद अंसारी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। सभी कांग्रेस जनों के साथ बैठकर चुनाव जीतने को लेकर फीडबैक भी लिया।
मीडिया से बातचीत में वैभव गहलोत ने साफ किया कि कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास करते हुए प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर घर घर जाकर वोट मांगूंगा और जीत हासिल करेंगे। का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पधारे तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, माताओं बहनों का, बच्चों का, युवा साथियों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इस स्वागत, और मैं इस अभिभूत हूँ इस स्वागत से, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गदगद हूँ और मैं पूरा मानता हूँ कि आने वाले चुनाव में कार्यकर्ता पूरी मेहनत से काम करेंगे और निश्चित तौर पर हम विजयी होंगे। बहुत बड़ी चुनौती है और मैं उस चुनौती को पूरा करूँगा, और मेरा सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद और कांग्रेस पार्टी ने, आलाकमान ने जो मुझे मौका दिया है जोधपुर से, ये तमाम इन जोधपुर वासियों का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने मुझे ये मौका दिया। और अब खबर बीजेपी की चुनावी रणनीति से जुड़ी हुई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विजय संकल्प बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान वसुंधरा राजे, प्रकाश जावड़ेकर, डी सतीश, गुलाबचंद कटारिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, राजेंद्र राठौड़ और सुधांशु त्रिवेदी ने बैठक की। बैठक में बीजेपी के प्रत्याशी, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, संयोजक और लोकसभा प्रभारी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने प्रत्याशियों को चुनावी रणनीति बताने की बात कही है। वहीं प्रदेश चुनाव प्रभारी जावड़ेकर ने कहा कि जनता का रुझान साफ है और देश पीएम के रूप में सर मोदी को चुनेगा। महागठबंधन में उन्होंने कहा कि महागठबंधन में अब गठबंधन खत्म हो चुका है, सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में दुनिया में देश के महत्व और गौरव में इजाफा हुआ है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की गरीबी हटाने की बात नई नहीं है, उनकी दादी और पिता भी यही कहा करते थे। सरकारी योजनाओं पर कहा गया कि भामाशाह योजना बंद कर दी गई और आयुष्मान योजना को प्रदेश में नहीं आने दिया गया। तो साथ साथ हम कुछ और जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं जो चुनावी जानकारियां है। खबर बारां जिले से है, जहां आज कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र श्रीमाल ने कहा कि कांग्रेस ने 100 दिन में जो वादे किए वो किसी भी स्तर पर पूरे नहीं किए गए। राजस्थान के किसान, युवा और महिलाएं सब इस बात को जान चुके हैं कि कांग्रेस झूठे वादों के सहारे सत्ता में आई है। उन्होंने कांग्रेस के 100 दिन में कर्जमाफी के वादे, बेरोजगारी के भत्ते को निराधार माना। शेमाली ने कहा कि जनता लोकसभा चुनाव में इसका बदला लेगी और कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। देखिए, 100 दिन के अंदर इन्होंने जिस प्रकार जो वादे किए थे वो वादे किसी भी स्तर के ऊपर पूर्ण नहीं हुए हैं। राजस्थान का किसान, राजस्थान का युवा, राजस्थान की महिलाएं और आम जनता इस बात को लेकर के बहुत परेशान है। इसके लिए राजस्थान की जनता तैयार बैठी है कि लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए जयपुर शहर कांग्रेस ने पीसीसी में एक बड़ी मीटिंग की है। इस बैठक में जयपुर शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल को जिताने का संकल्प पारित किया गया। बैठक में जयपुर शहर के 5 कांग्रेसी विधायक के अलावा विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार रहे 3 अन्य नेता भी मौजूद रहे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में सह प्रभारी विवेक बंसल, मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी और गंगा देवी मौजूद रहे। मीटिंग में जयपुर मेयर विष्णु लाटा भी शामिल हुए, तो वहीं टिकट के दावेदार और ब्राह्मण नेता सुरेश मिश्रा भी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थानी के सभी कांग्रेसी एकजुट हैं और हर एक कांग्रेसी खुद को ज्योति खंडेलवाल मानकर चुनाव प्रचार करेगा। नाराजगी, मनमुटाव इसलिए नहीं है कि सब विधानसभा के प्रत्याशी थे, हमारे राजस्थान के प्रभारी थे, और कोई नाराजगी मनमुटाव नहीं है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जिन लोगों को घोषणा की है 25 लोकसभा सीटों के लिए, वो सब हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, मैं आज आपको कह सकता हूँ ज्योति चुनाव जीतेगी, 100% जीतेगी, क्योंकि जयपुर में जिस तरह का संघर्ष रहा है उनका खुद का, खुद मेयर रही है, और जो जयपुर के MP के उम्मीदवार हैं रामचंद्र जी बोहरा साहब, 5 साल में वो कहीं लोगों को नजर नहीं आए, कहीं दिखे नहीं, काम कुछ किया नहीं। देखिए, दिशा निर्देश, आज तो ये प्रथम बैठक थी, तो उसमें कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आह्वान करना था कि हम सबको एकजुट होकर जुटना है और इनको विजय श्री प्राप्त करानी है, और जो छोटे मोटे मतभेद हों उसको बुलाना है। आज हम सबका लक्ष्य है, लक्ष्य 25 को हमें पूर्ण करना है, और वो इसलिए पूर्ण करना है कि हमें आदरणीय हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सम्मानित अध्यक्ष राहुल गांधी हैं जी हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुटता की पार्टी है, एक ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ने वाली है और पूरी मजबूती से बीजेपी के हर एक बात का जवाब देने वाली है।
और मैं ये बात बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता अपने आप को ज्योति समझ करके चुनाव लड़ने वाला है और जनता के बीच में कांग्रेस के किए हुए कामों को, कांग्रेस की सच्चाई को जनता के बीच में ले जा करके बीजेपी के झूठे वादे, झूठे जुमलों और जो उनके दुष्प्रचार जो लगातार किया जाता है उसका कड़ा जवाब देंगे और वही हमारी जीत को सुनिश्चित करेंगे। तो कुछ और चुनावी समीकरण से हम आपको वाकिफ कराते हैं कि बीजेपी में कहां क्यों फंसा है पेच। नागौर में चार राजनीति में फंसा टिकट, एक खेमे ने किया था जमकर सीआर चौधरी का विरोध, हालांकि एक गुट अभी चाहता है उन्हें ही मिले टिकट। ज्योति मर्धा के टिकट के बाद बदल चुके हैं हालात। हनुमान बेनीवाल फैक्टर को समझने की कोशिश हो रही है। करौली धौलपुर को लेकर फिर से बातचीत होगी। बीजेपी की कोर कमेटी में विचार विमर्श किया जाना है। बैरवा कार्ड खेलने पर हो सकता है विचार। कांग्रेस से आयात किए जा सकते हैं लखीराम बैरवा। मनोज राजौरिया का नाम भी इस रेस में शुमार है। तो ये कुछ अंदर खाने की खबरें हैं जिसको लेकर उठापटक जारी है और ये हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या समीकरण बनता है और जिताऊ कैंडिडेट को लेकर अभी भी मंथन जारी है। कई जगहों पे अभी भी बातचीत चल रही है जिसमें कई सिलसिलेवार तरीके से हमने आप तक नाम पहुंचाया कि आखिर वो कौन चेहरे हो सकते हैं जिनको लेकर पार्टी मन बना रही है, वो बकायदा हमने आप तक पहुंचाया। तो भाजपा में कहां पेच है, क्या कुछ तब्दीलियों की संभावना है, ये हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। ज्योति मर्धा के टिकट को लेकर क्या कुछ गहमा गमी, हनुमान बेनीवाल का फैक्टर कितना असरदार होगा या उसकी काट क्या हो सकती है, ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो पीसीसी में जयपुर शहर कांग्रेस की मीटिंग, पहली ही मीटिंग में कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखा दी। मनमुटाव और नाराजगी की चर्चा दरकिनार कर दी गई। शहर के पांचों विधायक मीटिंग में मौजूद हैं। ब्राह्मण नेता सुरेश मिश्रा, अर्चना शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज भी मीटिंग में पहुंचे। मेयर विष्णु लाटा की बात करें तो पहली बार आज पहुंचे हैं पीसीसी। बड़ी तादाद में कांग्रेसी आए हैं इस मीटिंग में और इस मीटिंग के जरिए जाहिर सी बात है कि चुनावी माहौल को साधने की कोशिश हो रही है और कहां पे पेच है और कौन से ऐसे पॉइंट है जहां से पार्टी लूज स्थिति में जा सकती है, तो उसको लेकर भी मंथन, उसको लेकर भी कवायद किया जा रहा है। तो पीसीसी में क्या हलचल है चुनावी माहौल के बीच में, ये हमने आपको बताया। कौन कौन पहुंचा हुआ है, नौ नियुक्त मेयर है विष्णु लाटा, उनकी मौजूदगी भी बहुत मायने रखती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि शहरी माहौल को बदलने में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। अगली खबर की बात करते हैं, आखिर महेश जोशी को क्यों नहीं मिला जयपुर से टिकट, ये कौन सा फैक्टर है और इसके पीछे क्या समीकरण है, ये हम आपको समझाते हैं। जबकि महेश की अगर बात करें तो दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे। अब दिल्ली से जुड़े एक सूत्र ने ये खुलासा किया है कि महेश जोशी जल्द मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, उनके पद में इजाफा किया जा सकता है और इसलिए उनको चुनाव, लोकसभा चुनाव नहीं लड़वाया जा रहा। तो ये अंदर खाने की खबर है कि पद का प्रलोभन दिया जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और यही वजह है कि उनको चुनाव नहीं लड़वाया जा रहा है। तो इस तरीके की भी बातें आ रही है कि अगर किसी चेहरे को चुनाव नहीं लड़वाया जा रहा है, वो बड़ा चेहरा है, तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार हो और उसमें उसको जगह दी जाए। दौसा की बात कर लेते हैं, दौसा में बीजेपी के टिकट का पेच फंस गया है। जगमोहन मीणा मिले बीजेपी नेतृत्व से, आरएसएस के भी प्रमुख प्रचारकों से उन्होंने मुलाकात की है। दौसा से टिकट को लेकर अपना उन्होंने पक्ष रखा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं जगमोहन और फिलहाल उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है। सूबे में चुनावी समर परवान पर है, सियासी गलियारों और चुनावी रण में हर दिन हर पल बनती है खबर, लेकिन कुछ खबरें होती है बेहद चर्चित जो बनाती है और बिगाड़ती है राजनीति के समीकरण, ऐसी ही खबरें होती है एडिटर्स चॉइस। आइए जानते हैं आज के दिन की वो खास खबर क्या है। जोधपुर में वैभव गहलोत चुनावी प्रचार का आगाज कर चुके हैं। परंपरागत रूप से जोधपुर कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। बीते कुछ सालों में जसवंत बिश्नोई, गणेश सिंह शेखावत ने यहाँ पर मजबूती के साथ अपने पैर जमाए और कमल फिराया, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में पूरी तरह कांग्रेस पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी को घेरा। ना केवल ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरी अंचल में भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम किया। अभी तक का जो जातीय समीकरण वहाँ का है वो यही कहा जाता है कि माली, मुस्लिम और दलित वोट कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आते हैं। वहीं पर राजपूत प्रत्याशी होने से बीजेपी को राजपूत वोटों का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। अब किस तरह से कांग्रेस का परंपरागत वोट और भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट, इसमें ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत तीनों एक जाजम पर नजर आते हैं, वो कितना एक दूसरे को मिलेगा। लेकिन ट्रंप कार्ड के रूट यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है।
जाट और विष्णुओं का वोट। अमूमन मारवाड़ की राजनीति में जाट और राजपूत आमने सामने माने जाते हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ वोट भी देते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वैभव गहलोत के साथ जाट और विष्णुई आते हैं तो ये वैभव गहलोत के लिए प्लस पॉइंट यहाँ पर नज़र आता है। फिर भी क्योंकि चुनाव चुनाव है और वैभव गहलोत के सामने एक अनुभवी नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह शेखावत है, जिन्होंने कम समय में ही अपनी न केवल राजस्थान में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। और राजपूत वर्ग के वो अब से नेता नहीं है बल्कि छात्र राजनीति के समय से जोधपुर में उन्होंने जब चुनाव जीता था विश्वविद्यालय का, तब से वहाँ पर वो राजपूत लीडरशिप के तौर पर जाने जाते हैं। संघ का उनको पूरा साथ है और वहाँ पर शहरी जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से कहा जाए तो प्लस एडवांटेज के तौर पर भी जाना जाता रहा। यहाँ पर वैभव और गेंद सिंह शेखावत के बीच में किस तरह की टक्कर होगी, किस तरह का प्रचार होगा और ये भी कहा जा सकता है कि राजस्थान के जोधपुर के इस चुनाव पर नज़रें न केवल यहाँ के मीडिया की गड़ी है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनेताओं की नज़रें, मीडिया की नज़रें गड़ी हैं कि क्या रिजल्ट जोधपुर से निकलकर सामने आएगा। बीजेपी में कार्यकर्ता का गंगा जल का अजब से टूटा। एक बीजेपी कार्यकर्ता आज प्रदेश कार्यालय के एक कक्ष में अध्यक्ष मदन लाल सैनी की तस्वीर के नीचे रखी गंगा जल की बोतल और निकल गए कक्ष से बाहर बीजेपी कार्यकर्ता। जब पूछा गया गंगा जल रखने का कारण तो कार्यकर्ता ने कहा चुनाव के बाद बता पाऊंगा इसका राज। हालांकि गंगा जल को जोड़कर देखा जा सकता है पवित्रीकरण से, तो बहुत सारे इसके मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल है और गंगा जल को लेकर भी सियासत खूब होती रही अपने अपने वक्त पर। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी दफ्तर में अगर ये टोटका हो रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी। बीजेपी मीडिया सेल ने बदल दिया कन कमल कटारा का चेहरा। मीडिया को डाली प्रत्याशियों की फोटो समेत कॉन्टैक्ट की एक लिस्ट जिसमें कन कमल कटारा की जगह लगा दी किसी ज्योतिष कन कमल कटारा की तस्वीर। जानकारी मिलने के बाद में किया गया सुधार, लोग भी हो गए कंफ्यूज कि आखिर कनकमल कटारा का चेहरा क्यों दिख रहा है बदला बदला सा। हालांकि मिलता हुआ सा था चेहरा भी कनकमल का और यही वजह है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और लोगों ने बड़ी चुटकी मिली इस माहौल में क्योंकि तस्वीर ही बदल गई। हालांकि आनंद फानन में बदल भी दिया गया। अब सियासी चुनावी गपशप क्या है कि हम आपको बताते हैं। पुत्र के प्रचार की कमान माता पिता के हाथों में, राहुल कस्बा के माता पिता उतरे चुनावी समर में। चूरू की सियासत से दोनों भली भांति वाकिफ है। राम सिंह कस्बा और कमला कस्बा दोनों सक्रिय हैं। राहुल कस्बा के माता पिता दोनों रह चुके हैं जनप्रतिनिधि और यही वजह है कि अपने बेटे के लिए एक बार फिर से चुनावी मैदान से पसीना बहा रहे हैं। हालांकि राहुल कस्बा अब राजनीति में मचते हुए नजर आ रहे। पिछले बार भी वो सांसद चुने गए थे और इस बार भी लगातार अंदरूनी अंतर्कलह की बीच से रास्ता निकालकर फिर से वापस उन्हें टिकट मिल गया है। सियासत की भी अजीब तासीर है जहां जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो असल में होता नहीं। इसीलिए राजनीति में सुनी सुनाई की खबरों का होता है बड़ा असर। संभावना, अटकले या कयास, इसे आप जो भी कहें, ये सुनी सुनाई राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी होती है। तो आप ही सुनी सुनाई संवाददाता लक्ष्मण राघव की जुबानी आप सुनिए। नमस्कार। ऐसा कम ही देखने और सुनने में आता है कि जब टिकट चाहने वाले को टिकट ना मिले और किसी दूसरे को टिकट मिल जाए तो वो टिकटार्थी उतने ही उत्साह और उतने ही शिद्दत से काम करता नजर आए। लेकिन जोधपुर में आज कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। दरअसल अब ये असर मुख्यमंत्री के व्यवहार का कहिए या उनकी कुर्सी का, कि उनके लाडले के लिए ऐसा ही दृश्य जोधपुर में बना था। जी हाँ, टिकट चाहने वाले कई नेता बेहद नज़दीकी से और बहुत ही मोहब्बत से बतियाते दिखे। मुख्यमंत्री के साहबजादे ने भी पूरी विनम्रता दिखाई, यहाँ तक कि वो शहर कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं हुए अपितु पास ही खड़े रहे। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि वैभव गहलोत पूरी तरह से तैयार होकर सियासत में एंट्री मार रहे हैं। फिर भी कहने वाले ये तो जरूर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होने का फायदा तो मिलता ही है। ये तो सुनते थे कि जब चुनाव आते हैं तो खूब सारे कुर्ते पजामे सिलाए जाते हैं, खास तौर पर खादी पर फोकस रहता है। लेकिन बीकानेर में इस बार कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर काले झंडे खूब बन रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो हमें मिला है जिसमें एक टेलर काले झंडे सिल रहा है। अब ये झंडे कौन किसके लिए सिलवा रहा है, कौन किसको दिखाएगा, ये अलग सवाल है। शायद ये कहीं पहली बार हो रहा होगा कि इस तरह से काले झंडों की स्टिचिंग हो रही है।
कमाल ये भी है कि इससे दोनों ही दलों के प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि विरोध दोनों तरफ हो रहा है। राजस्थान की राजनीति में अभी भी लिपलोक और हक को स्वीकार्यता नहीं है। लिपलोक को लेकर तो खूब बवाल मचा था और एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। आजकल एक मंत्री पुत्र ट्विटर पर बेहद सक्रिय रहते हैं, अब उन्होंने एक फोटो डाली है एक मंत्री के साथ बेहद आत्मीयता से गले मिलते हुए की। दरअसल इस फोटो पर कोई आपत्ति नहीं है, इस फोटो में मंत्री को उन्होंने अपना दोस्त भाई और मेंटर बताया है। इस फोटो को ट्विटर पर डालने के बाद इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि क्या अब खेमों में परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जिन मंत्री जी की फोटो ट्विटर पर लगाई गई है वो किस नेता के नजदीकी हैं। भरतपुर में खास तौर पर खूब बातें हो रही हैं। और इसी चुनावी गपशप के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप जरूर देखिए न्यूज़ एट डिनर।